नमस्कार, ड्राइंग हाउस के जो दर्शक हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज से लगभग 3 महीने पहले ड्राइंग हाउस में मुझे एक फैंटम इन इंडिया नाम का जो उन्होंने एक इशू बनाया था उसमें उन्होंने मुझे बुलाया था, और इसका मेन उद्देश्य था कि जो मेरी पुरानी स्मृतियाँ हैं वो मैं शेयर कर सकूँ अपने ड्राइंग हाउस के जो दर्शक हैं उनसे। तो उसी के क्रम में मैंने आज लगभग मेरे द्वारा ही पढ़ी हुई, मेरे द्वारा ही कलेक्शन की हुई, जैसा कि मैंने उस में बताया भी था कि मैंने उनको बाइंड करा के रख लिया है, तो उनमें से कुछ पुस्तिकाओं को मैंने जो इंतज़ार कॉमिक्स की हैं और जो फैंटम मैंड्रेक इत्यादि से संबंधित हैं उनको मैंने आज मंगाया है अपने घर से। मेरा घर लखनऊ में है जहाँ से मैंने उसे मंगाया है, जो आज ही पहुँची है। तो आज मुझे पुनः कहा गया है कि मैं इनके बारे में आप लोगों को अपने एक्सपीरियंसेस और इनकी जो पुरानी स्टोरी है, लगभग 51 साल पुरानी बात है। देखिए ये आप देखेंगे, हालांकि वो अजीब सी स्थिति में है, पुरानी है बहुत, और मैं दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि ये मैंने इस प्रकार से उनको बाइंड करा करके रखा है। बाइंडेड कॉपीज हैं जिसको कि आप देख सकते हैं, जो कि अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें बड़ी पुरानी और बहुत ही रोचक कहानियाँ इसमें हैं। मैं भी जब इनको काफ़ी समय बाद देखा तो मैंने देखा कि ये आखिर हैं कब की, किस सन में ये लिखी में मैंने कलेक्शन किया था। तो मुझे पता लगता है कि मैं 65वें इशू से इनका कलेक्शन कर पाया था। हालांकि मैंने जो सबसे पहला जो अंक इसका एकत्र किया था वो 1965 का था, और वो अंक जो है बहुत ही प्रारंभ का था, वो मैं एकत्र नहीं कर पाया क्योंकि मैं बहुत छोटा हुआ करता था। और उसके बाद में मैं जब से मैं समझने लगा इसकी, मैंने महत्ता को समझा कि ये कॉमिक बुक्स कितनी महत्व की हैं, तब मैंने इसको एकत्र करना शुरू किया। और अब आप देख सकते हैं ये गैरी लेदाव पेज, ये 81वां अंक है जो कि मैंड्रेकी और लोथार की एक बहुत ही बढ़िया कहानी थी, जिसमें जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मैंने वो इस तरीके की चीज़ें इकट्ठी की है, और मैं इसी तरीके से कुछ फ्रेश गार्डन की पुरानी है मेरे पास, एक कहानी मैंने एकत्र की थी, तो वो भी आप देख सकते हैं। जैसे इसका नाम है मृत्यु की ज्वाला, ये मैंने इसमें ये भी नहीं पता लग पा रहा है कब की, लेकिन निश्चित रूप से ये 70 की करीब की है, 70-71 की होगी, तब मैंने एकत्र की थी। आप ये देखेंगे कि इसमें इसकी जो पेपर की क्वालिटी अगर आप देखें तो ये उस समय ये बहुत ही साधारण पल्प पेपर पर छपती थी, और पल्प पेपर पर होने की वजह से इनका रखरखाव बहुत कठिन था। पेपर ये करारा तो कभी भी नहीं हुआ करता था, आज भी वैसा ही स्थिति में है क्योंकि मैंने बहुत सुरक्षित इसको रखा है, लेकिन ये है कि ये जो है इसमें केवल थोड़ा पीलापन आ गया है और इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है। इसी तरीके से मैं कुछ और आपको कुछ बहादुर की कहानियाँ हैं मेरे पास, अगर आप देखें तो मैंने कुछ बहादुर की भी एकत्र की हुई कहानियाँ मेरे पास यहाँ पर हैं, जिनको मैं बाइंड नहीं करा पाया था, लेकिन ये भी बड़ी सुरक्षित है, आप देख सकते हैं। और एक ये आप फैंटम की देख सकते हैं, फैंटम की बड़ी खूबसूरत एक चलता फिरता प्रेत करके एक आई थी कहानी, और आप इसे देखें तो ये आप ली फॉग की ओरिजिनल कृति है, क्योंकि अब ली फॉग का जो कलेक्शन आ रहा है उसमें इसी प्रकार की कलाकृतियाँ और इसी प्रकार की आर्टवर्क दिखाई देता है। ये आर्टवर्क बहुत सिंपल और था, और उसमें कोई बहुत ज़्यादा इस प्रकार का नहीं होता था कि बहुत ज़बरदस्त
कलरिंग की गई हो, सिंपल वाटर कलर से ही किया जाता था, लेकिन अपने आप में स्टोरी इतनी रोचक होती थी। इसी तरीके से आप देखें कातिल जादूगर एक है, वो भी आप देखिए कि मेरा एकत्र क्या हुआ। इस तरीके से एक मज़ेदार ये आप देखिए, ये 344वां अंक था, पक्षी मानवों की घाटी, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी। और ये भी जादूगर लोथार की थी, जादूगर मैंड्रेक की थी और लोथार उनके साथी है, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी। और ये अभी भी बिल्कुल सुरक्षित और बहुत ही अच्छी अवस्था में मेरे पास उपलब्ध है। तो इनको जब कभी ड्राइंग हाउस चाहेगा तो इनकी कहानियों को मैं नरेट कर दूंगा, लेकिन बताना सिर्फ ये है कि बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही संभाल के रखी हुई कलाकृतियाँ मेरे पास हैं। मैं जहाँ तक बताऊँ ये कब की लिखी हुई है, कब की हैं, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये 1965-66 इस समय की ये कहानियाँ हैं जो एकत्र की हुई है मैंने की हुई थी, वो इतनी पुरानी कहानियाँ हैं। क्योंकि मुझे भी कैसे याद आया, इसमें आपको मैं दिखाऊं कि एक अंक में ऐसा हुआ था कि इसमें मैंने अपना, मैं पढ़ता था, शायद मैं 8वीं या 9वीं क्लास में पढ़ता था, तो मैंने रुचि को अपने दर्शाने के लिए उसमें अपनी कहानी में, अपनी इस किताब में मैंने ऊपर लिख दिया है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी, देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये एक इस कहानी में अगर आप देखेंगे तो बहुत, अगर क्लोजअप कर सकें आप लोग तो इसमें आप देखेंगे कि ये मेरा नाम लिखा है सुधीर मोहन शर्मा, क्लास 9th D। ये क्लास 9th D में मैं जब था तब ये मैंने खरीदी थी, और ये मैं SD इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर में पढ़ता था 9वीं क्लास में। और ये इससे मुझे ये, हालांकि अब चूँकि 51 साल पुरानी बात हो गई है, तो मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि ये कलेक्शन किया और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी हुआ करती थी। हाँ, ये देखिएगा क्या स्थिति क्या थी, क्या ज़माना था। मतलब हम लोग याद करते थे कि अब 15-15 दिन बाद आती थी पाक्षिक की किताब थी, तो हर अगली कहानी के लिए हम लोग इंतज़ार किया करते थे कब आए। और जैसे ही करके कहानी आती थी, सबसे पहले एक सांस में उसे पढ़ डालना, और मेरे पीछे मेरे जो घर के लोग थे, और यहाँ तक कि मेरी माता भी जो थी वो भी इंतज़ार करती थी कि ये पढ़े तो फिर इसको हम पुनः पढ़ डालें। और इस तरीके से ये इतनी इंटरेस्टिंग कहानी थी, क्या ज़माना हुआ करता था। कुछ और नहीं था, बहुत कुछ गिनी चुनी किताबें हुआ करती थी, नंदन, पराग, इस प्रकार की पुस्तकें जो है जिसमें कि कहानियाँ जो है वो चित्रांकन किया गया हो, इंजाल कॉमिक्स ही ऐसी थ्रिलर टाइप का था, उसमें इतना मज़ा आता था पढ़ने में कि वो हम लोग एकत्र किया करते थे। और स्थिति ये थी कि हम लोगों ने मैंने आरा लाइब्रेरी एक बनाई थी, जो जिसमें कि जितनी भी पुस्तकें होती थी जो कि हम लोग खरीदते थे और उनको रखते थे प्रिजर्व करके, और उनको फिर हम आपस में बांटा करते थे, और बांट करके इसका प्रसार होता था। तो एक तरीका ये होता था कि हमारे साथी जितने भी मोहल्ले के होते थे, जो मेरे समकालीन और समकक्ष लोग थे, वो मेरे से ले जाते थे मांग करके, और वो इन्हें पढ़ते थे, बड़ी रुचि के साथ पढ़ते थे। हालांकि ऐसा होने में एक नुकसान भी होता था कि बहुत सी कहानियाँ मेरी गायब हो जाती थी, वो मुझे नहीं मिली हुई किताबें। लेकिन मुझे आज ये बड़ी पुराने दिन मुझे याद आ रहे हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने इन किताबों को ख़रीदा। मुझे आज तक वो जगह भी याद है जहाँ से मैंने इनको ख़रीदा, रेलवे स्टेशन, और हमारे यहाँ एक शिव जी की मूर्ति के पास में एक पुस्तकों की दुकान हुआ करती थी, जिसमें कि समाचार पत्र आते थे, वहीं पर ये पुस्तकें रहती थी। तो उन्हें हम जो है वो समय से पहले जाते थे, बार बार पूछा करते थे कि भाई इंतजार कॉमिक्स आई कि नहीं आई। तो जैसे इंतजार कॉमिक्स आती थी, पहला अंक, पहला शायद खरीदार होता होगा जो कि इनको जाके ख़रीदता था, और फिर रख करके अपने पास रखता था, सब घर वाले पढ़ते थे, पूरा मोहल्ला पढ़ता था। इसकी लोकप्रियता का कोई बराबरी नहीं है, ये बिल्कुल पागलपन था, उत्साह था हम लोगों में कि जो इन कहानियों को पढ़ते थे और प्रिजर्व करके रखते थे। सबसे बड़ी बात है कि हम कोई भी चीज़ ख़राब नहीं करते थे, और ये कोशिश रहती थी कि हमारी वो लंबे समय तक चलती रहे। लेकिन चूँकि समय की मार, 51-52 वर्ष पहले की बात कह रहा हूँ, जबकि हम 8वीं-9वीं क्लास में पढ़ा करते थे, और अच्छी बात यह है कि इसको मैंने कंटिन्यू रखा पढ़ना, और मेरी इस समय आयु लगभग 64 वर्ष है, तो 64 वर्षों में से आप सोच सकते हैं कि 51-52 साल
मैंने जो है वो इनको देखा, और 1990 तक ये आई, और मैं उस समय एक विदेशी इंस्टीट्यूट में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए गया था मैसूर में, वहाँ भी मेरे पास में ये हम इन पुस्तकों को मंगाते थे बाई पोस्ट और पढ़ते थे। अच्छा, आप कीमत देखिए, ये कीमत ये है साहब की, ये जो हमें 302वां अंक है, ये 302वां अंक जो है इसकी कीमत 1 रुपया थी, ये 1 रुपये की लागत पे आती थी, और ये आप सोच सकते हैं कि ये लगभग ये है 1978 में इसकी कॉस्ट 1 रुपया थी। कि जो और पुरानी किताबें हैं उनमें उनकी कीमत आप देखें तो उनकी कीमत तो गजब थी, शायद कहीं मेरे पास ऐसी भी कुछ है कॉमिक्स जिनकी कीमत 65 पैसे भी थी। ये एक किताब है जो मैंने बताया, ये 92वां अंक है और इसकी कीमत 70 नया पैसा थी, ये 70 पैसे की किताब थी। और इससे पहली भी मेरे पास कुछ किताबें हैं, ये 72वां मेरे पास 65वां अंक भी है, जो कि जहाँ तक मेरा ख्याल है केवल जो है 45 पैसे या 50 पैसे का हुआ करता था। अच्छा, इसका सर्कुलेशन कितना ज़्यादा था उस समय, इतना सर्कुलेशन था, मैं बार बार जब भी मुझे बुलाते हैं आप लोग तो मैं इस बात को बताता हूँ कि सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आप ज़रूर ध्यान दीजिए, आप विदेशी पुस्तिकाओं के साथ में आप कंपटीशन कर रहे हैं, जो भी नई कॉमिक्स आ रही हैं करिए कॉमिक्स, बुराई कुछ नहीं है, लेकिन उसकी कीमत को इतना बढ़ा देने की वजह से सामान्य जन की पकड़ से दूर हो जाती हैं। और इतनी दूसरी बात एक और मैं और कहना चाहूँगा, कई जगह और लोगों ने भी, और जो सुप्रसिद्ध आपके लेखक हैं, कथाकार हैं, कुछ पब्लिशर हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि स्टोरी वर टू सिंपल स्टोरीज, दिस इज़ ट्रू, वी लाइक ट्रू सिंपल स्टोरी। ड्राइंग हाउस ने पूछा था भाई लोकप्रियता क्यों कम हुई, सत्य कहा था नरेश कुमार जी ने कि कुछ भी बेचने लगे थे, कुछ भी बांटने लगे थे, जिसकी वजह से लोकप्रियता, बच्चों के हाथ से माँ बाप ने किताबें छीनी और जिसकी वजह से उनकी इंडियन कॉमिक बुक्स की लोकप्रियता कम हुई। मैं समझता हूँ कि ये लगभग 51-52 वर्ष पुराना ये जो कलेक्शन मेरे पास है ये अपने आप में लोगों को पसंद आया होगा, और ये ऐसा कलेक्शन है जो कि कम लोगों के पास में उपलब्ध होगा, और मैं इसी दृष्टि से इसको शेयर कर रहा हूँ कि ये इंजाल कॉमिक्स या जो भी हमारी फैंटम कॉमिक्स हैं वो बड़ी महत्व की थी, और हमारे उन्होंने हमारे बचपन को बनाया और हमें बड़ा किया, तो इसलिए मैं इनके लिए इंजाल कॉमिक्स को पुनः याद कर रहा हूँ, और मैं जो हूँ इसी वजह से अपने दर्शकों के सामने ये पुरानी कॉमिक्स का जो अपना पिटारा है वो लेकर के आया हूँ। अभी भी इससे भी पुरानी कॉमिक्स मेरे पास हैं जो संभवतः नहीं मेरे घर से आ पाई हैं, मैं उन्हें एक बार दोबारा खुद जाऊँगा, तलाश करूँगा, और फिर एक बार दोबारा यदि ड्राइंग हाउस मौका देता है तो मैं आकर के उनको भी आपके सामने रख सकूँगा। मैं जब बहुत छोटा हुआ करता था तो ये किताबें मैं जब सो कर उठता था तो मेरी मदर मेरे तकिए के नीचे बराबर में रख देती थी ताकि मैं उठूँ और सबसे पहले मैं उठ करके उन्हें पढ़ने का प्रयास करता था। मैं जबकि बात कर रहा हूँ जबकि कि मैं ढंग से पढ़ भी नहीं पाता था, तो उस समय मैं उन्हीं को देख देख कर पढ़ना सीखा हूँ, उन्हीं को देख करके हिंदी हमारी मजबूत हुई है, उन्हीं को पढ़ करके अंग्रेजी मजबूत हुई है, और इसी वजह से मैं समझता हूँ कि विद्यार्थियों के और जो मैं यंग हमारी जनरेशन है उसको पढ़ाई के प्रति बहुत रुचि रखनी चाहिए, और जो किताबें हैं वो उससे अच्छा कोई फ्रेंड नहीं होता, और वीडियोस या वीडियो गेम्स बहुत थोड़ी सी देर की थ्रिल देते हैं, दिमाग में आते हैं फिर चले जाते हैं, और उससे जो है वो आंखें भी ख़राब होती हैं, सब कुछ है। इनको पढ़ने के बाद में एक शांति और एक इमेजिनेशन मिलता है, आदमी दिमाग से सोचना शुरू करता है, कहानियों को रचता है, तो इसलिए मेरा सब लोगों को ये एक सबक है कि आप लोग इस पे ध्यान दें, और आपके बच्चे भी कॉमिक्स पढ़ के अगर हिंदी इंग्लिश को उसमें एक्सपर्ट होते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा, और मैं कामना करता हूँ कि जल्दी ही जो है वो इंजार कॉमिक्स ना आए तो इस प्रकार की फैंटम की कॉमिक्स की हिंदी में पब्लिकेशन आए, जिससे कि जिसका कि हम तो बहुत स्वागत करेंगे। धन्यवाद।